हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एक साल के बच्चे की पजामे की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो उसके लिए 90 सेंटीमीटर कपड़ा ले लिया है और 18 इंच अर्ज है। तो देखिए, ये मैंने 7 इंच फोल्ड करके रखा है कपड़े को, 4 फोल्ड। यहाँ से हम फ्रंट बैक की कटिंग करेंगे। लंबाई लेंगे 15 इंच और पजामे की लंबाई लेंगे 13 इंच। बाकी ये जो कपड़ा बचा है, इससे हम स्लीव्स की कटिंग और पॉकेट की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने कुर्ते की लंबाई 15 इंच ली है, 4.25 इंच तीरा लिया है और 4.25 इंच पर ही हमने मोड़े की लंबाई लेनी है। 5.5 इंच हम चेस्ट की चौड़ाई लेंगे। 4 इंच ऊपर लेते हुए हम 5.5 पे हिप का निशान लगाएंगे और ऐसे कमर से हिप को शेप देंगे। मोड़े की गुलाई लेंगे, 1/2 इंच शेप देंगे, 1.5 इंच गले की चौड़ाई लेंगे और 2 इंच गले की लंबाई लेते हुए गोल कटिंग, गोल निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पे हमने बटन पट्टी बनानी है फ्रंट पे। तो इस प्रकार से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स, जहाँ निशान लगाया हमने सिलाई हक छोड़ते हुए। तो फ्रेंड्स, जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। तो ये मैंने फ्रंट बैक की कटिंग कर ली है। 1/2 इंच हम पीछे गले की कटिंग करेंगे। ये मोड़े की शेप दे दी है हमने आगे की। तो अब हम पजामे की कटिंग करने के लिए ऐसे तय लगाएंगे और यहाँ से हमने स्लीव्स का ले लेना है कपड़ा। और ये देखिए, जो 1 इंच मैंने कन्नी की तरफ से फोल्ड का इलास्टिक का रखा है, 14 इंच लंबाई लेंगे पजामे की और 4.5 इंच पे बॉटम का निशान लगाएंगे और 1 इंच फोल्ड रखेंगे। 6.5 इंच पर आसन का निशान लेंगे। 5.5 चौड़ाई लेते हुए आसन की गुलाई लेंगे, ऐसे बॉटम का निशान आसन तक मिलाते हुए शेप लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो साइड से जो कपड़ा बच रहा है, पजामे की कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। बराबर से कपड़े की तह लगाते हुए हमने कटिंग करनी है फ्रेंड्स। कपड़ा आगे पीछे हो जाता है, उसका ध्यान रखना है हमने। ये देखिए, यहाँ पे कॉर्नर है, उसकी हम सफाई के साथ गुलाई लेते हुए कटिंग कर लेंगे सिलाई हक रख के। इस प्रकार से ये जो कपड़ा बचा है, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और स्लीव्स को ऐसे डबल फोल्ड करते हुए 11 इंच लंबाई लेंगे। 5.5 इंच चौड़ाई लेते हुए 2 इंच की गुलाई लेते हुए हमने फ्रंट बैक की ये पज्जू की कटिंग कर लेनी है। अब हम पजामे की स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड्स। आसन को बराबर से पकड़ते हुए जो कटिंग करी है हमने, वहाँ पे हम डबल सिलाइयाँ लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो डबल सिलाइयाँ लगाने से हमारी सिलाइयाँ पक्की हो जाती हैं फ्रेंड्स, ये उधड़ता नहीं है फिर। ये देखिए, इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। तो ये अब हम गुलाई में सेंटर में सिलाई लगाएंगे। 1 इंच नेफा मोड़ेंगे इलास्टिक के लिए। नीचे का बॉटम हम 1 इंच फोल्ड करके राउंड सिलाई लगा लेंगे। साढ़े 6 इंच की इलास्टिक लेते हुए डबल हमने इलास्टिक डाल लेनी है पजामे में। तो इस तरह से हमारा ये पजामा तैयार है। कुर्ते की स्टिचिंग करने के लिए बटन पट्टी की हम कटिंग करेंगे सेंटर में। ये 4 से 5 इंच लंबी होगी, ये देखिए इतनी होगी। अब हल्का सा सेंटर में कट लगा लेंगे ये बटन पट्टी लगाने के लिए। तो ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेकर हमने 3 फोल्ड कर लेनी है ऐसे, और इसको सफाई के साथ हम ऐसे रखते हुए
बाहर से किनारे से सिलाई लगाएंगे और सिलाई डबल कर लेंगे। इस पे हमारी बटन लगेगी फ्रेंड्स। देखिए अब हमने काज पट्टी लगानी है। 2 इंच चौड़ी पट्टी काटते हुए हमने फ्रंट पे सिलाई ले लेनी है। ये सिलाई सामने की तरफ आएगी। अब इस पे हमने प्रेस करना है सिलाई को, ऐसे डबल फोल्ड लेते हुए कपड़े की 1 इंच चौड़ी पट्टी तैयार करके ये देखिए ऐसे तय लगाएंगे। और इस तरह से हम ब्रीक सिलाई लगाते हुए नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। सफाई के साथ हम ऐसे ठोका बना लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स की हम फ्रंट बैक देखते हुए उल्टा सीधा देखते हुए क्रॉस का निशान लगाकर राउंड पे हम ब्रीक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फ्रेंड हमने 1/2 इंच बैक की कटिंग कर लेनी है गले की। ये कटिंग करने के बाद हम तीरा जोड़ लेंगे और स्लीव्स भी स्टिच कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने 3.5 इंच की पॉकेट लगानी है छोटी सी। तो ये देखिए स्टिच करके पॉकेट बना के नीचे से सीधी सिलाई लगानी है ये पॉकेट की, और इससे सीधा करते हुए हमने कॉर्नर बनाते हुए पॉकेट को स्टिच कर लेना है फ्रेंड्स। तो ये हमारी बटन पट्टी भी बन गई है, पॉकेट भी लग गई है। तो इसका मुंह खोल लेना है हमने। अब हम गले में 1 इंच चौड़ी पाइपिंग लगाएंगे, फोल्ड पाइपिंग। उसके लिए हम रेप पाइपिंग की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इस पे पाइपिंग लगानी है जो कि फॉल की तरह लगेगी। ये पाइपिंग हमने डबल सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा पाइपिंग की कटिंग करके हम बाहर से सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारी बटन पट्टी तैयार है और कुर्ता भी तैयार है फ्रेंड्स। इसके साथ अब हमने पजामे की भी स्टिचिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स आप भी ट्राई करेंगे। तो ये बटन पट्टी पे मैंने मच्छी टांग का हेरिंग बोन से एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो फ्रेंड्स 3 धागे का ये लेयर धागे का लेते हुए सुई में डालकर देखिए ये ऐसे एम्ब्रॉयडरी करनी है किनारे किनारे गले के और बटन पट्टी के चारों तरफ। तो ये एम्ब्रॉयडरी थोड़ा टाइम तो लगता है, सुंदर लगती है बच्चों के कपड़ों पर। तो देखिए इस तरह से मैंने ये एम्ब्रॉयडरी तैयार कर ली है, सुंदर लग रही है। अब मैंने इस पे सिंधी स्टिच करनी है। जो धागा हमारा दबा हुआ है सुई निकालते हुए मैंने उसको उठाना है और इस तरह से ऊपर वाले धागे को दबाते हुए नीचे को जो धागा है उसको उठा लेना है सुई में। इस तरह से एक एक धागे को सिलते जाना है। इस तरह से हमने ये देखिए राउंड लेना है, ऐसे जो क्रॉस हमारे बने हुए हैं ऊपर एक नीचे की तरफ। इस तरह से हमने ये एम्ब्रॉयडरी को पूरा कर लेना है। ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है फ्रेंड्स, टाइम तो लगता है। फ्रेंड्स ये पूरी बटन पट्टी पर मैंने तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स इस तरह से पूरा कुर्ता हमारा तैयार है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें।